मॉर्निंग चिल्ड्रन, मैं आर के सर एक बार फिर से बीपीएस पब्लिक स्कूल देवजर की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस जो सुविधाएं दी गई हैं आपको, आज क्लास फर्स्ट जो मैंने आपको कल बताया था उसका रिमेनिंग पार्ट आज हम लोग करेंगे। आज क्लास फर्स्ट का जो मैथ जो आपका सब्जेक्ट है उसका आज टॉपिक है व्हाट कम्स बिटवीन, यानी दो नंबर के बीच में। ये देखिए, कम्स माने आना, बिटवीन माने बीच में, व्हाट माने क्या, यानी क्या आएगा किसी चीज़ के बीच में, क्या आएगा बीच का मतलब। चूंकि आप मैथ की बात कर रहे हैं इसलिए नंबर की बात करते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको पहले शो करता हूं कि क्या है ये। आइए आपको आपके मैथ की बुक में पेज नंबर 10 पे, छोड़ देना उसको, चुम्मत करो, पेज नंबर 10 पे बीच बीच में बताओ व्हाट कम्स बिटवीन, पेज नंबर 10 पे ये आपको सारी एक्सरसाइज मिलेगी। तो व्हाट कम्स बिटवीन का मतलब मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ ये इसका क्या मतलब है और आपको कैसे करना है। मान लीजिए दो डिजिट लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है 6, एक लिखा हुआ है 8। इन दोनों डिजिट में ये पूछता है व्हाट कम्स बिटवीन, इसका ये मतलब हुआ कि इन दोनों डिजिट के बिटवीन, बिटवीन माने बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो ये बहुत आसान है, 6 के बाद जो नंबर आता है, 8 से पहले जो नंबर आता है वो आपको लिखना है, 6 के बाद क्या नंबर आता है 7, बस यही आंसर हो गया। और एक एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 9 और यहाँ लिखा हुआ है 11 और ये कहता है व्हाट कम्स बिटवीन 9 एंड 11, इसको ऐसे ही समझना है बेटा, व्हाट कम्स बिटवीन 9 एंड 11, यानी 9 और 11 के बीच में कौन सा नंबर आता है। तो क्या आएगा, 9 के बाद वाला कौन सा नंबर आता है 10, आप यहाँ 10 लिख दीजिएगा। तो इस तरह से इसमें बहुत सारे ऐसे और क्वेश्चन हैं, जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है 2, 4, तो व्हाट कम्स बिटवीन यानी 2 और 4 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, तो आपने लिख देना 3। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में जितने भी ब्लैंक आपको मिलेंगे, बहुत सारे ब्लैंक मिलेंगे, जैसे मान लीजिए आगे क्वेश्चन है 4-6, एक और क्वेश्चन है आपका 6-8, तो इसके बीच में जो भी नंबर आएंगे वो नंबर आपने लिख देने हैं और ये पूरा होमवर्क बेटा आपने कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से आज हम इस टॉपिक में क्या सीखा, व्हाट कम्स बिटवीन, दो डिजिट के बीच में क्या नंबर आता है। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग आ रहे हैं और उसमें सीखते हैं उसका टॉपिक क्या है, इसको बोर्ड को हम साफ कर दे रहे हैं, और वो है कंपेरिजन, कंपेरिजन COMPARISM, कंपेरिजन ऑफ नंबर्स, NUMBERS, कंपेरिजन ऑफ नंबर्स। पहले ये समझ लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है, कंपेरिजन होता है बेटा, कंपेरिजन का मतलब होता है SON बेटा, यहाँ पे RISON, कंपेरिजन, कंपेरिजन का मतलब होता है तुलना, मतलब दो नंबरों के बीच में आपसे पूछेगा डिफरेंट, अभी तो हम बात करते हैं इन बिटवीन की, कंपेरिजन में तुलना, नंबर्स की तुलना करनी है आपको। अब वो नंबर्स की तुलना कैसे करनी है वो समझना है, जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। मान लीजिए आपको दो नंबर दे दिए, एक दे दिया 7, एक दे दिया 9, ये दो नंबर है, यहाँ नीचे आपको ब्लॉक मिलेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो, ऐसे दो नंबर देने के बाद वो क्वेश्चन पूछेगा, बताइए इन दोनों नंबर्स में दो चीज़ें पूछेगा, एक वर्ड लिखने जा रहा हूँ बेटा मैं, स्मॉल और एक लिखने जा रहा हूँ बिग, दो नंबर्स, स्मॉल का मतलब होता है बेटा छोटा और बिग का मतलब होता है बड़ा, ये आपने सीखा ही होगा, स्मॉल का मतलब छोटा, बिग का मतलब बड़ा। तो वो पूछेगा 7 और 9 जो दो नंबर है उसमें स्मॉल कौन सा है, तो आप कैसे कहेंगे स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा, तो 7 और 9 में जो छोटा है यानी जो स्मॉल है उसको टिक करो, तो आप यहाँ टिक कर देंगे। इस तरह मान लीजिए आपको दिया 5, 4, यहाँ दो ब्लॉक बना दिए इन्होंने और उसने कहा कि बिग नंबर बताइए, बिग का मतलब 5 और 4 में कौन सा बिग है, तो आपको कौन सा बिग दिखाई दे रहा है, ये है बिग, माने क्या होता है बड़ा, तो 5 बड़ा है, इसको टिक मार कर दीजिए, ये बहुत आसान है। तो ये कंपैरिजन ऑफ नंबर्स हो गया, यानी कोई भी दो नंबर देगा, जहाँ पूछेगा स्मॉल उसमें स्मॉल का मतलब छोटा, छोटे वाले पे टिक कर दीजिएगा, जहाँ पूछेगा बिग तो बड़े वाले पे टिक कर दीजिएगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। पेज नंबर 11 पे आप देखिएगा चैप्टर फर्स्ट में, यहाँ बहुत सारे हैं 8, 6, तो इसमें पूछेगा मान लीजिए एग्जाम्पल दिया उसने 8 है 6 है, दोनों में कौन सा, मान लीजिए एक और है एग्जाम्पल 6 है 4 है, तो यहाँ पूछेगा आपसे, मान लीजिए यहाँ आपसे पूछे कि इसमें से बिग कौन है, आप कहेंगे 6 बिग है, पूछेगा इसमें स्मॉल कौन है, तो इसमें 6 स्मॉल है,
तो इस तरह से ये जो टॉपिक है कंपैरिजन विद नंबर, ये यही ख़त्म होता है। तो आज यहाँ यहाँ बहुत सारी और एक्सरसाइज हैं, आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। कल हम फिर जब ऑनलाइन आएंगे तो इसका आगे का जो पार्ट होगा इस एक्सरसाइज का, वो हम लोग करना सीखेंगे। लॉकडाउन के इस पीरियड में बेटा अपने घर पे बने रहिएगा, बाहर बिल्कुल मत निकलिएगा, अपने हाथों को साफ़ सुथरा रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। इसी के साथ हैव ए नाइस डे, थैंक यू।